किसान भाइयों नमस्कार। वर्षा जल को संचित करने के लिए पूसा संस्थान में हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी आज देना चाहता हूं। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर नामक एक परियोजना शुरू की थी और इस परियोजना के तहत देश के हर जिलों में 75 तालाब बनाने का, या तो पुराने तालाब हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए या नए तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने पूसा संस्थान, जिसका खुद का अपना क्षेत्रफल करीब 1200 एकड़ है और कई बार जब बरसात होती है एक दिन के अंदर 80 से लेकर के 120 मिलीमीटर तक की बरसात हो जाती है, तो सारा पानी जो है संस्थान से बाहर चला जाता था नजफगढ़ नाले में। हम लोगों ने एक योजना बनाई कि किस प्रकार से वर्षा जल को अपने संस्थान के जो पूरे क्षेत्र हैं उसका वर्षा जल किस प्रकार से हम संचित करके उसको पुनः सिंचाई के रूप में प्रयोग में ला सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पूसा अमृत सरोवर का निर्माण किया है। यह करीब 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया गया है, जिसकी जल धारण क्षमता 50,000 क्यूबिक मीटर यानी कि 5 करोड़ लीटर पानी की है। इसमें संचित पानी से करीब हम 200 से 250 एकड़ खेत की सिंचाई 3 बार कर सकते हैं। और अभी पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो बरसात हुई है उस वर्षा के द्वारा इस तालाब में तकरीबन 4 करोड़ लीटर पानी अभी तक इकट्ठा किया जा चुका है। तो जल, जैसा कि हम जानते हैं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हमारा सभी लोगों से अनुरोध है, किसान भाइयों से विशेष रूप से और ग्राम पंचायतों से, कि आप अपने भी क्षेत्र में, अपने ज़िले में अगर पुराना तालाब है जो कि अब अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, उसकी सफाई करानी है, उसका जीर्णोद्धार कराना है, तो उसको करवाइए और पानी को संचित करिए और इसका उपयोग करिए। अब देखिए, पूसा संस्थान में बीच बीच में आपको बैकग्राउंड में कई सारे वीडियो दिखाए जा रहे होंगे हमारे साथियों के द्वारा कि इस तालाब में किस प्रकार से जल धारण क्षमता हम लोग बढ़ा रहे हैं। और अभी हमारे संस्थान में करीब 20 के आसपास नलकूप लगाए गए थे, जिनसे पानी हम ज़मीन से ले करके और फसलों की सिंचाई शोध कार्यों के लिए करते थे। अब आप देखिए कि जब हम नलकूप का प्रयोग करते हैं तो ज़मीन का जल स्तर नीचे जाता है। अब जल जो हम वर्षा के द्वारा संचित करेंगे, इसकी सिंचाई जब करेंगे तो नलकूप को चलाने की हमारी आवश्यकता बहुत ही कम हो जाएगी या नहीं के बराबर हो जाएगी। इससे हमारे ज़मीन का जल स्तर भी ऊपर बढ़ेगा और वर्षा जल के द्वारा, संचित जल के द्वारा हमारे ज़मीन के पानी का फिर से रिचार्जिंग होगी। तो ये सब मिला जुला करके हम अच्छी तरह से संस्थान की जो आवश्यकता है सिंचाई की, वो पूरा कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस तरह का प्रयास करिए और खेत का पानी खेत में, इस जो अवधारणा है उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।